नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं हम तक की बड़ी खबरों की। फिल्म बाजीराव मस्तानी और दिलवाले का विरोध शुरू। बॉलीवुड सितारे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रदर्शित फिल्म बाजीराव मस्तानी का भाजपा ने पुणे में विरोध किया है। विरोध के चलते सिटी प्राइड थिएटर में सुबह 8 बजे का शो रद्द कर दिया गया। भाजपा सांसद अनिल शिरोले ने फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। इससे पहले ये फिल्म पाकिस्तान सेंसर बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में नाकामयाब रही थी, लेकिन बाद में फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होने में कामयाब हो गई। इधर जबलपुर और इंदौर में भी शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले का विरोध किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा, विपक्षी हथकंडों से घबराएं नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आप पार्टी द्वारा डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपने निवास पर मंत्री परिषद की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे विपक्ष के हथकंडों से न तो डरे और न ही परेशान हो। मंत्री परिषद की बैठक 1.5 घंटे तक चली और लंबा विचार विमर्श हुआ। मोदी ने अपने मंत्रियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ के आधार पर मुहिम चला रहा है। विपक्ष के विरोध के चलते शीतकालीन सत्र में संसद ठीक से नहीं चल पा रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से पूछे गए अजीबोगरीब सवाल। गूगल के किसी भी सीईओ से शायद कभी ये सवाल पूछा गया हो कि गूगल के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अलग अलग वर्जन के नाम भारतीय मिठाइयों के नाम पर क्यों नहीं रखे जाते। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 2000 लोगों से भरे स्टेडियम में जब पिचाई पहुंचे तो उन्हें इसी तरह के अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ा। 44 वर्षीय पिचाई ने कहा कि भविष्य के टेक्नोलॉजी ट्रेंड भारत से निकलेंगे। गूगल मानती है कि भारत में तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का उपयोग ग्लोबल लेवल पर किया जा सकता है। सुंदर पिचाई ने कहा कि मैं बचपन में एक क्रिकेटर बनना चाहता था और सुनील गावस्कर मेरे पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं। फुटबॉल में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं।